plastic waste has become a serious threat to the environment today. The harmful chemicals of plastic also harm humans, animals, and plants. It is often seen that small plants are kept in plastic bags in nurseries, which hampers their development and also increases the chances of plants getting damaged. Today we will tell you about an innovation which is not only getting rid of plastic use in nursery, but also helps in speedy growth and development of plants. Cowder pot making machine जिसका इम्प्लीमेंटेशन धर्मशाला के करेक्शनल होम में किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो सोशल इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। एनएफ ने इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, इंक्यूबेट किया और फाइनली इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण और जो कॉमन पीपल है उनके आजीविका के लिए इस तरह से ये टेक्नोलॉजी बेहतर टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। इस मशीन के बारे में जानकारी हमें बाहर से इंजीनियर आए थे, उन्होंने हमारे को जानकारी दी और इससे हम गोबर के गमले तैयार करते हैं। इसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है, बाकी कनेक्शनल होम्स भी रेप्लिकेट कर सकते हैं और देश के अलग अलग कोने में इस तरह की मशीन्स को डिप्लॉय करके काउडंग तो हर जगह अवेलेबल होता है, काउडंग मशीन भी हर जगह अवेलेबल हो जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल मॉडल देश को मिल सकता है। सबसे पहले ये आइडिया गोपाल भाई सुरतिया को आया था और उन्होंने सोचा कि किस तरह से हम काउडंग का इस्तेमाल करके गमले बना सके और उन गमलों को अलग अलग जो नर्सरी है उनमें दे सके, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारी नर्सरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं पौधों को बड़ा करने के लिए। उसके बाद में जब ये प्रयोग शुरू हुआ तो उतनी सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद में उनका साथ परेश पंचाल जो दूसरे एक सीरियल इनोवेटर हैं उन्होंने दिया और काफी आरएनडी इन्होंने की। एनएफ ने उसको सपोर्ट किया, इंक्यूबेट किया अच्छे से और उसके बाद में फाइनली टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। और उद्देश्य यही था कि क्यों ना रूरल यूथ सेल्फ हेल्प ग्रुप उस तरह के लोग इसको बनाए और बेचे तो उनको एक आमदनी का जरिया भी होगा और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। ये कैदी भाइयों है हमारे, वो कहीं ना कहीं गाँव से जुड़े है तो मुझे ऐसा लगा था कि ये प्रिजन में भी चल सकता है और एनआईएफ के साथ मिलके मैंने उनको एक आइडिया दिया कि भाई हमारा मशीन प्रिजन में भी सेट हो सकता है, तो उन्होंने कुछ मदद की और वहाँ जेलर ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया, उसकी वजह से हम प्रिजन में ये मशीन कर रख सके। तो अगर कुछ टेक्नोलॉजी इस तरह की दी जाए ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा जनरेट हो सके और उसका थोड़ा सा हिस्सा वो अपने परिवार के पास में भेज सके तो एक शायद सुकून की बात होगी। करेक्शनल होम में एक्टिविटीज हमारे देश में बहुत ज्यादा होती हैं और जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और ना केवल हमारे देश में, दुनिया भर के काफी देशों में इस बात पे फोकस है कि कैसे करेक्शनल होम को एम्पावर करने की जरूरत है और हमारे देश में भी ये काम हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि करेक्शनल होम में काफी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बट अगर करेक्शनल होम में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का डिप्लॉयमेंट हो जाए तो काफी ज्यादा एफिशिएंसी उन इनिशिएटिव्स की बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं, टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, बट अगर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का डिप्लॉयमेंट थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो वही करेक्शनल होम्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनको रेवेन्यू जनरेशन भी ज्यादा होने के मौके रहेंगे और लोगों जो लोग उस पर काम करते हैं उनका स्किल न केवल एक टेक्नोलॉजी पे बढ़ेगा बल्कि एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे बढ़ेगा जो कि उनको आगे आने वाली लाइफ में ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है वो ग्रास रूट जो टेक्नोलॉजी होती है उनको ग्लोबलाइज करता है
एक हमारा उद्देश्य है कि जो ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं वो ग्लोबल कैसे हों, तो ग्रास रूट टू ग्लोबल अप्रोच के साथ हम वर्क करते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने जगह जगह मशीनें दी हैं जो जेल में दी हैं, जिससे लोग अपनी आजीविका को आगे कैसे बढ़ाएं और जब जेल से निकलें तो उनकी लाइफ कैसे अच्छी हो, तो हमारे जो ग्रास रूट इनोवेशन है वो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट करें, उसके लिए हमने जगह जगह मशीन डिसेमिनेट की। यहाँ पे कैदियों के लिए हमने गाय के गोबर से बनने वाली मशीन ली थी, उसका अभी यूज हो रहा है। इसमें जो गमले हम बनाते हैं इन कैदियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी यूज हो रहे हैं और बाज़ार में इसकी डिमांड भी है और यहाँ सेल भी हो रहे हैं। और जब से ये काम शुरू हुआ है तब से जो हमारे कैदी भाई है इनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। इनको इससे एक तो इनके जो इनकम होती है उसमें इनकी बढ़ोतरी हो गई है, और नंबर दो अब ये जो मतलब काम सीख रहे हैं काम, जैसे यहाँ से ये जाएंगे इनकी सजा पूरी होती है तो अपने गांव में जाके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पहले ये मशीन तो थी नहीं यहाँ पर, तो हम तो बेरोजगार थे, कोई इनकम नहीं थी, और अभी मशीन चली है तो हम इससे गमले तैयार कर रहे हैं और नर्सरी में भेज रहे हैं, तो इससे हमें कुछ इनकम हो रही है, जिससे कि पैसा हमें पर मंथली मिलता है जो हमारे अकाउंट में जाता है, और हमारा परिवार जो है हम परिवार को भेजते हैं, जिससे हमारे को इनकम का सोर्स अच्छा बना है। ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा ये मशीन जिला कारागार धर्मशाला को दी गई और उनके ही इंजीनियरों द्वारा हमारा ये जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम था एक से दो दिन में उन्होंने हमारे चार से छः बंदी भाइयों को ट्रेंड किया और उससे उन भाइयों ने आगे और भाइयों को भी ट्रेंड किया, जिससे कि आज हमारा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है और अच्छी आमदनी इससे हो रही है। इनको इसका जो आउटपुट होता है उसका 40% एज पर द प्रोविज़न वो मिल रहा है, तो ये एक अच्छा काम है। और जो प्लास्टिक का जो हमारा बंदी का वो चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा इससे हमारे को फ़ायदा मिल रहा है गवर्नमेंट को जी। ये मशीन बहुत ही अच्छी मशीन है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, आसानी से इसका इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर ना कोई डीजल का खर्चा है, ना कोई बिजली का खर्चा है, ना कोई पेट्रोल का खर्चा है। इंसान खुद इस मशीन को चलाता है, जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही बेनिफिट मिल सकता है। आय में इससे हमें बहुत अच्छी वृद्धि हुई, हमारी ज़रूरतें पूरी हुई। हम जेल में खाली समय बैठ के इधर उधर सोचते थे, जब से ये मशीन आई है हम इस मशीन पर अपना ध्यान देते हैं और ठीक अच्छी आय मिलती है, जिससे हम अपनी अच्छी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं और हम कुछ पैसा अपने घर भी भेजते हैं। अगर हम ये देखें कि ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा किस किस को है, तो देखिए एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास काउडंग है और वो सोच रहे हैं कि इस काउडंग का क्या सदुपयोग हो सकता है। हमारे पास वो लोग हैं जिनके पास मशीन है और वो चाहते हैं कि उनको काउडंग मिले, तो दोनों को इससे एक फ़ायदा होगा। दोनों की नीड है कि वो काउडंग का सदुपयोग करें और काउडंग से कुछ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकें। गोबर के पॉट के फायदे इसलिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक नेचुरल खाद की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये इससे कोई नुकसान तो नहीं है। जैसे पन्नी में पौधे लगते हैं तो उससे पौधे की वो इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है, इससे कंपोस्ट भी बन जाती है गोबर के गमले बनाने से, तो इसको सीधा मिट्टी में दबा दें तो ये कंपोस्ट की तरह काम करता है। ऐसा करने से ना केवल एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट होगा बट उसके साथ ही साथ हम एक वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल भी सेट कर चुके होंगे। और अगर ये एग्जाम्पल एक करेक्शनल होम सेट करता है तो फिर बाकी देश को भी ये मैसेज रहता है कि अगर ये चीज एक करेक्शनल होम में हो सकती है तो बाकी जगह भी इसको किया जा सकता है। इससे इनको एक तो अपना स्वावलंबी बनने का एक बहुत बढ़िया वो मिला, एक डिपेंड अपने आप कल के लिए यहाँ से जाएंगे, बाहर काम की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से ये ट्रेंड हो रहे हैं। हमारा जो आज की नवयुग में जेल का जो एक है कोरेक्शनल सर्विसेज सुधारात्मक प्रक्रिया है उसके तहत ये चल रहा है, और भी हमारे यहाँ धर्मशाला में कई तरह के वेंचर्स है उसमें भी हम ये इस कोरेक्शनल सर्विसेज के थ्रू बंदी भाइयों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा ये कार्य है जी।
किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। अब जैसे कि काउडर पॉट मेकिंग मशीन एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, तो उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आगे आ सकते हैं, उस मशीन के बनाए हुए पॉट से व्यापार कर सकते हैं। प्रिजन इनमेट्स भी जब वो रिलीज हो जाएंगे प्रिजन से, उसके बाद में उनको एक मौका रहेगा कि उन्होंने जो स्किल डेवलप किया अपने सेंटेंस को सर्व करते हुए, उस दौरान उन्होंने जो स्किल सीखे जैसे कि काउडंग पॉट मेकिंग मशीन पे काम करना, तो काउडंग पॉट मेकिंग मशीन उन लोगों के लिए एक सहारा हो सकता है जब वो रिलीज हो जाए तो वो उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होगा जिसमें कि देश में एक पोस्ट रिलीज एम्प्लॉयमेंट को बहुत ही सहायता मिलेगी एज फार एज प्रिजन इनमेट्स आर कंसर्न्ड। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब भी मैं कभी बाहर जाऊं तो ऐसी दो चार मशीनें लेके कहीं गांव में जो नई युवा पीढ़ी है उनको इस मशीन के बारे में जागरूक करें, उनको बताएं कि इस मशीन से क्या फ़ायदे हैं। ये हाथ से चलने वाली है, ना कोई इसमें तेल लगेगा, बिजली खर्च नहीं होगी, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, हाथ से इसको जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा कमा पाएंगे। This revolutionary innovation, developed at the grassroots level in a small laboratory, is not only helping the most important cause of environmental protection, but is also providing livelihood opportunities to the prisoners after their release from the prison, which in turn helps them to rehabilitate themselves in the society again.